हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिज़नेस के बारे में जानकारी कि कैसे आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस बिज़नेस के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो है ई रिक्शा का बिज़नेस। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे छोटे छोटे जो शहर होते हैं वहाँ पर आजकल ज़्यादातर जो है बैटरी रिक्शा के माध्यम से जो है पैसेंजर्स को इधर से उधर पहुँचाया जाता। तो छोटे शहरों में क्या आपको बड़े शहरों में भी ये देखने को मिल जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति जो है आसपास में किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहता है तो वो किसी बड़े परिवहन का यूज न करके ई रिक्शा का यूज करके जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है कि समय भी बच जाता है और दूसरा जो है ये परिवहन का जो है एक सुगम साधन भी होता है, साथ ही सस्ता भी होता है ये, और आपको इजिली मिल भी जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई काम नहीं है और आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो है आप ई रिक्शा बिजनेस जो है इजीली जो है स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी अच्छी खासी अर्निंग जो है कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप ई रिक्शा के जरिए जो है हजारों लाखों रुपए महीना जो है कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ई रिक्शा बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च आपको कैसे करनी है। तो ई रिक्शा वैसे तो बहुत सारी जगह पे किराए पर अवेलेबल होते हैं जिन्हें आप किराया लेने के बाद जो है अपना जो संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होगा वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब पूरे इंडिया में जो है हर एक स्टेट में अलग अलग तरह के ई रिक्शा आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, तो वातावरण के अनुकूल भी माने जाते हैं और इसी वजह से बैटरी रिक्शा की जो डिमांड है वो धीरे धीरे जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप भी इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये काफी प्रॉफिटेबल जो है साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं ई रिक्शा का जो बिजनेस है उसका स्कोप क्या है। तो अगर आप देखें तो आज के टाइम में जो पूरा वर्ल्ड है वो पॉल्यूशन के जो समस्या है उससे जूझ रहा है। तो जितने भी मतलब बहुत सारे वाहन हैं और सब में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन तो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है और इसी वजह से जो बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और उनको जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इसी वजह से जो बैटरी रिक्शा का विकल्प है अगर वो आप अपने बिजनेस के रूप में चुनते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा जो है कमा सकते हैं। और बैटरी से चलने वाली जो गाड़ी होती है वो शहरी क्षेत्र से लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और धीरे धीरे इनकी संख्या में इजाफा हो, क्योंकि इस तरह की जो गाड़ियां हैं उनका फ्यूचर में जो है काफी अच्छा स्कोप है। अब बात करते हैं ई रिक्शा का जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने के प्रॉफिट्स क्या क्या है। तो अगर हम बात करें इससे मतलब प्रॉफिट की, तो सबसे बड़ी जो इसका खासियत है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको जो है बिजली से चार्ज किया जाता है और इसके द्वारा किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं फैलता है। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो भी इस तरह के जो वाहन है उनको बढ़ावा दे रही है। और इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप अर्निंग भी अच्छी कर सकते हैं। एक दिन के आप कम से कम 1000 रुपए तक जो है कमा सकते, तो अर्निंग करने के लिए भी अच्छा है, दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितनी लागत आएगी इसे स्टार्ट करने में। तो अगर आप ई रिक्शा के बिजनेस की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो अगर आप सिंगल एक ई रिक्शा लेना चाहते हैं तो ये आपको आसानी से 90,000 से लेकर के 1,30,000 रुपए तक की लागत में पड़ जाएगा। वहीं अगर आप पेट्रोल से चलने वाले रिक्शे की बात करें तो फिर वो लगभग 3 लाख रुपए तक जो है उसका रेट होता है। इस वजह से जो ई रिक्शा है वो आपका सस्ता भी पड़ता है और दूसरा जो है आपका पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो ई रिक्शा को इजीली खरीद सकते हैं। अगर आपके पास एक साथ इतने पैसे नहीं है तो लोन लेकर भी आप इजीली जो है ई रिक्शा को खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको खुद चलाना चाहते हैं तो खुद भी चला सकते हैं, और अगर आप खुद नहीं चलाना चाहते हैं तो आप इसे किराए पर देकर भी जो है घर बैठकर कमाई कर सकते हैं। तो इस जो बिजनेस है ई रिक्शा का वो आप 1 या 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके जो है इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके सारे जो पार्ट्स होते हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं रीजनेबल प्राइसेस में, तो इनको मेंटेन करने में भी ज्यादा खर्च नहीं होता, मेंटेनेंस इनका ठीक ठाक होता है, मतलब इतना ज्यादा इनमें कोई आपको स्पेशल खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है मेंटेनेंस में भी। तो ये बात हो गई इसमें लगने वाले इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं ई रिक्शा का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कैसे करें। इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति स्टार्ट कर सकता है इजीली। बस इसे स्टार्ट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको खरीद के आप खुद से चलाना चाहते हैं या फिर किसी को किराया पे देकर जो है इसे पैसे कमा
कमाना चाहते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा पैसा है तो आप सिर्फ एक ही ई रिक्शा क्यों, एक से ज्यादा ई रिक्शा भी खरीद सकते हैं और फिर उन्हें किराए पे दे सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग जो है अपनी घर बैठे बैठे कर सकते। अब बात आती है ई रिक्शा कहाँ से खरीदे। तो ई रिक्शा खरीदने के लिए आप सबसे पहले जो आपका नजदीकी मार्केट है वहाँ पे जो भी एजेंसी है उनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आप ये जानकारी भी ले सकते हैं कि सरकारी योजना का लाभ उसमें प्राप्त होगा या नहीं, और सरकार ने रोजगार से संबंधित बहुत सारी योजनाएं जो है आजकल लागू की हैं, तो उनसे आप जानकारी जरूर लें और नज़दीकी शोरूम में जाके आप ई रिक्शा जो है पसंद कर सकते हैं और उसे खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं। पैसों का इंतजाम करके आप जितने चाहे उतने ई रिक्शा जो है अपने लिए खरीद सकते हैं और अपना ये जो ई रिक्शा का बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो इस बिजनेस के लिए किसी तरह के मतलब स्टार्ट करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, फिर भी रिक्शा का जो बीमा है और पंजीकरण है वो आपको जरूर करवा लेना चाहिए। MSME रजिस्ट्रेशन करके जो है आप अपने बिजनेस के लिए लोन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे द्वारा बताई गई जो प्रक्रिया थी उसके ज़रिए आप आसानी से बैटरी रिक्शा का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ ही महीनों में अच्छी खासी इनकम जो है आप अर्न कर सकते हैं। और जैसे आपने एक ई रिक्शा ले लिया उसके बाद आपकी अर्निंग, अच्छी अर्निंग अगर होना स्टार्ट हो जाती है तो आप फिर से कुछ और नया बैटरी रिक्शा भी ले सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की योजना जो है तैयार कर सकते हैं। तो ई रिक्शा का जो बिजनेस है उसको करने से आप दो तरीके के फायदे आपको हो रहे हैं। नंबर वन जो प्रॉफिट है वो है कि आप अच्छा खासा उससे अर्न कर सकते हैं, और नंबर टू है आप कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आप। तो इस तरह से आप अपना ई रिक्शा का बिजनेस जो है इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको ई रिक्शा बिजनेस से जुड़ी जानकारी दी। अगर आप और भी कोई जानकारी इस बारे में चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसी तरह नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानते रहने के लिए हमारे चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच जो है शेयर ज़रूर करिए, ताकि अगर वो भी इस तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।